और अब आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे झालावाड़ का, जहां जनप्रतिनिधियों की गुंडागर्दी आए दिन सामने आती है। जिले के बकानी इलाके की बात करें तो यहां के वार्ड पंच और उसके परिजनों ने एक युवक की सरेआम पिटाई कर दी। इस धुनाई में जनप्रतिनिधि और उसका पूरा परिवार शामिल था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं युवक की पिटाई के दौरान कैसे लोग तमाशबीन बने रहे। बीच में कोई भी नहीं आया, न किसी ने बचाव किया। आपको बता दें कि जो पंच इस वीडियो में युवक की पिटाई करते दिखा है, उसकी मीट की दुकान है और इसी दुकान पर किसी बात को लेकर युवक से कहा सुनी हुई, पंच ने युवक की पिटाई कर दी। एक पार्टी में कुलदीप दर्जी है, दूसरी पार्टी में कैलाश खटेक है, बंटी है और नितेश है, ये तीनों एक ही परिवार के हैं। कुलदीप दर्जी है, इनके आपस में किसी मामले को लेकर के मारपीट हो रही थी, जहाँ जाकर के दोनों पार्टी को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, समझे कि नहीं समझे वहाँ से लेकर के थाने पाए और दोनों पार्टी को 107-151 में बंद कर कार्रवाई की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जयपुर की, जहां के MI रोड पर अजमेरी गेट के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। महज एक लापरवाही ने एक शख्स की जान ले ली। घटना का लाइव वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि जयपुर पुलिस कंट्रोल के CCTV कैमरे में कैद हुआ। इधर राजधानी जयपुर में चोरों के हौसले इन दिनों काफी बुलंद है। नकबजनी और चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। सोमवार सुबह जहां टोक रोड स्थित एक मिठाई की दुकान से महिला गैंग ने करीब 7.5 लाख रुपए का माल पार किया था, वहीं आज सुबह सोडाला थाना क्षेत्र में शराब की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और इस दुकान से करीब 7 लाख का माल ले उड़े। बदमाश इतनी तैयारी से थे कि दुकान के शटर में रस्सी बांध उसे गाड़ी से खींचकर तोड़ दिया। उसके बाद दुकान से माल पार कर फरार हो गए। ये दो अलग अलग तस्वीरें दो वारदातों की, जो सवाल खड़े करती है कानून व्यवस्था पर। इधर हैदराबाद में दलित छात्र रोहित की आत्महत्या के मामले को लेकर आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में अरावली छात्रावास के छात्रों का विरोध प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट को बंद कर दिया। मेन गेट को बंद कर वहां लगे पोस्टर और बैनर को फाड़ दिया गया। छात्रों का हंगामा यहीं नहीं रुका, सभी छात्र रैली को आगे बढ़ाते हुए नारेबाजी करते हुए घूमर पांडाल की ओर चले, जहां बीच रास्ते में छात्रों की पुलिस से हाथापाई भी हो गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने छात्रों को खदेड़ा। अफरा तफरी की स्थिति में पुलिसकर्मियों ने हल्का बल प्रयोग भी किया। इधर हैदराबाद में दलित युवक की खुदकुशी के मामले को लेकर श्रीगंगानगर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। घटना के विरोध में SC ST मोर्चा ने केंद्रीय मंत्री बंगारू दत्तात्रेय का पुतला जलाकर मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं दलित युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग है। इधर आज जोधपुर नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में दो बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। बोर्ड की मीटिंग के दौरान जी राजस्थान न्यूज के कैमरे ने उन दोनों ही तस्वीरों को कैद कर लिया। दरअसल जिस वक्त निगम में हंगामा हो रहा था, उसी दौरान BJP विधायक कैलाश भंसाली जमकर खर्राटे भर रहे थे। वो इतनी नींद में थे कि उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा था कि निगम में हो क्या रहा है। उधर दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जो कि एक कांग्रेस पार्षद की है। इस कांग्रेस पार्षद ने निगम के एक आदेश को ही जला दिया। आपको बता दें कि यूडी टैक्स को लेकर कांग्रेसी पार्षद बैठक में हंगामा कर रहे थे। इधर जोधपुर में मेहरानगढ़ की प्राचीर पर चढ़कर सेल्फी लेना एक युवक को भारी पड़ गया। यहां सेल्फी लेने के प्रयास में युवक किले की दीवार का अंदाजा नहीं लगा पाया और उसका पैर फिसल गया। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 23 साल का निखिल अपने कुछ दोस्तों के साथ मेहरानगढ़ किला घूमने आया था और किले की दीवार पर चढ़कर सेल्फी ले रहा था। दोस्तों के मना करने के बावजूद निखिल ने उनकी बात अनसुनी कर दी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। MG.
और अब रुख करेंगे उदयपुर का, जहां के ऋषभ देव कस्बे के माइनिंग क्षेत्र में एक मजदूर की मार्बल ब्लॉक के नीचे दबने से मौत हो गई। घटना से नाराज श्रमिकों ने मौके पर हंगामा किया। इस हादसे के बाद आक्रोशित मजदूरों ने वहां की करीब 60 माइन बंद करवा दी। इधर मौताने की मांग भी अब शुरू हो गई है। माइंस मालिक की ओर से मृतक के परिजनों को 16 लाख रुपए देने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन मृतक के परिजन और श्रमिक ज्यादा राशि की मांग कर रहे हैं। सरूपाल का है, मशीन का ऑपरेटर था। जब भी एक्शन होते हैं, बाकी लापरवाही नहीं होती, एक्शन नहीं होता, पर जो हो गया उसको तो अभी तो फिलहाल ये है कि जो डेड बॉडी उसको निकालना ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और अब बात करेंगे धौलपुर की। धौलपुर जिले के उत्तर प्रदेश सीमा पर आगरा से ग्वालियर जा रही एक मालगाड़ी का पहिया टूट गया। हालांकि सीमा रेठा चौकी पर तैनात सिपाहियों की सूझबूझ से इस हादसे को टाल दिया गया, लेकिन 2 किलोमीटर तक टूटे पहिए से गाड़ी के चलने की वजह से पटरियों को काफी नुकसान हुआ। बीच रास्ते में मालगाड़ी के रुक जाने की वजह से आगरा से ग्वालियर की तरफ जाने वाली ट्रेनों पर भी असर पड़ा। इधर सालून शहर के श्री विजय नगर में ट्रेन और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। हालांकि घटना के बाद से ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। चश्मदीदों का कहना है कि ईंट से ट्रॉली भरी हुई थी जिसे ट्रैक्टर खींच रहा था। घना कोहरे होने की वजह से ट्रैक्टर चालक ट्रेन की आवाज सुनकर भाग निकला। फिलहाल पुलिस अब मामला दर्ज कर फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी है। बात कोटा की करेंगे, जहां के इंद्रगढ़ ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक को दुरुस्त करने का काम पूरा हो गया। इस मामले में हादसे की वजह कर्मचारियों की लापरवाही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि ट्रैक को ठीक करने का काम जारी था, लेकिन उसके बावजूद उस पर ट्रेन गुजारने की इजाजत दे दी गई। इस मामले में वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर घनश्याम शर्मा और विजय प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। वहीं जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। इधर कोटा के डाबी में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में आज कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम जेके लोन अस्पताल पहुंची और बच्ची के साथ उसके परिजनों से भी मुलाकात की। कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि मासूम को इलाज के लिए जेके लोन अस्पताल लाया गया, जहां दर्द से तड़पती बच्ची को अस्पताल प्रशासन ने करीब 5 घंटे तक भर्ती नहीं किया। यह खबर जी राजस्थान न्यूज पर दिखाए जाने के बाद बच्ची का इलाज शुरू हो पाया था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, जो आज हनुमानगढ़ के दौरे पर रहीं। सीएम राजे आज गोगा मेड़ी पहुंची, जहां गोगा मेड़ी मंदिर के मास्टर प्लान का शिलान्यास किया। मंदिर के विस्तार के लिए 18 करोड़ रुपए का बजट भी पास हुआ है। मास्टर प्लान के तहत तैयार होने के बाद मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकेंगे और साथ ही उन्हें पूरी सुविधा भी मिलेगी। शिलान्यास के मौके पर सीएम राजे के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत भी मौजूद रहे। सीएम राजे ने कहा कि मंदिर के विस्तार से श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले सरकार में किसी भी तरह के धार्मिक स्थलों की देखरेख नहीं की गई थी। सभी कितना सुंदर नक्शा है, कैसे उसके गेट हैं, कैसे छह उसके रोड्स हैं, किस तरीके के उसका मंदिर का स्वरूप है, किस तरीके के उसके बगीचे हैं। जब ये पूरा का स्वरूप उसका बन जाएगा तो लोग जो आएंगे उसको देखते ही रह जाएंगे और जो आसपास के लोग हैं उनकी भी बढ़त होगी, ये मुझे विश्वास। 19 करोड़ की लागत हमें लगानी है आने वाले समय के अंदर और साथ साथ 4 करोड़ रुपए का इमीडिएट हम लोगों ने काम। मैं गोगा मेड़ी आई हूं ये सोच करके कि पिछले 5 साल के अंदर हमने पैसा दिया था तो शायद मालूम नहीं कुछ तो बदलाव इस गोगा मेड़ी के अंदर आ गया हूं। आके जब देखा तो जैसा था वैसा ही छोड़ दिया गया है। मैं तो कहती हूं कि ईश्वर ने ये आशीर्वाद हम लोगों को ही दिया है कि हम लोग इस पुण्य काम को आप सबके साथ मिलकर कर सकेंगे, ये मुझे विश्वास है कि आने वाले 3 साल के अंदर हम उसको करा के दिखाएंगे।
इधर जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पायलट ने राज्य सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनता प्रदेश सरकार से दुखी है और लोगों को राहत देने के लिए कांग्रेस को लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज बननी चाहिए। इधर 21 जनवरी से जयपुर में साहित्य के महाकुंभ जी लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो रहा है। 5 दिन तक जयपुर के डिग्गी पैलेस समेत अन्य वेन्यू पर आयोजित हो रहे इस फेस्टिवल को लेकर जयपुर पुलिस के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। जी लिटरेचर फेस्टिवल के आगाज के साथ ही 5 दिन तक वहां वीवीआईपी गेस्ट से लेकर साहित्यकार और लाखों साहित्य प्रेमी आते हैं। ऐसे में आज जयपुर पुलिस कमिश्नर डिग्गी पैलेस पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्थाओं से लेकर यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुरक्षा की अगर बात करें तो मुख्य गेट से सिर्फ कार्ड धारकों को ही चेकिंग के बाद अंदर प्रवेश मिलेगा। और अब आपको दिखाते हैं एक अच्छी खबर। नवजात बच्चों को अब लावारिस छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। ऐसे मामलों में कमी लाने के लिए कोटा के जेके लोन अस्पताल में अनोखी पहल हुई है। अस्पताल में एक ऐसा पालना गृह बनाया जा रहा है जहां कोई भी अपनी पहचान बताए बिना नवजात को छोड़कर जा सकता है। नवजात को छोड़ने वाले से कोई पूछताछ भी नहीं होगी और नवजात अस्पताल में पूरी तरह सुरक्षित होगा। नवजात को फेंको मत, हमें दो। नवजात बच्चों को लावारिस छोड़ देने की बजाय अब उन्हें सुरक्षित पालने में छोड़ने का विकल्प होगा। कोटा के जेके लोन अस्पताल में ये अनोखी पहल की गई है ताकि जो माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करने में किसी वजह से असमर्थ हों, वो उन्हें बिना किसी मुश्किल के पालने में छोड़ पाए, बिना पहचान बताए पालने में छोड़ जाए। पालने में नवजात को छोड़ने के लिए परिजनों को अपनी पहचान भी नहीं बतानी होगी। यह मुहिम शुरू ही इसलिए की गई है जिससे नवजात की जिंदगी पर आंच ना आए, फिर उसे पैदा करने वाले चाहे तो अपनी पहचान भी नहीं बता सकते। पालने में बच्चे के आते ही बजेगी घंटी। जेके लोन अस्पताल में जिस जगह पर नवजात बच्चों के लिए पालना बनाया जा रहा है, उस जगह पालने में बच्चे के आने के 2 मिनट के अंदर घंटी बजेगी और नवजात बच्चा अस्पताल के शिशु वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसी योजना है कि जिन बच्चों को पैदा होते ही डस्टबिन और झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, वो फेंको मत, हमें दो, ताकि उनके प्राणों की रक्षा हो सके और वह निसंतान दंपति जिनका जीवन सूना है उन्हें गोद माननीय न्यायालय द्वारा दे दिया जाएगा। इससे उन बच्चों का जीवन भी बचेगा और उन सूने आंगन में खुशियां भी गूंज सकेगी। निसंतान दंपतियों के घर गूंजेगी किलकारी। जेके लोन अस्पताल के पालने में नवजात को छोड़ने आने वाले परिजनों को ना तो कोई रोकेगा और ना ही कोई टोकेगा। इस पालने में आने वाले नवजात बच्चों से उन घरों में किलकारी गूंजेगी जो दंपतियां निसंतान हैं। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।